मध्य भारत मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री को गधा भेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जबलपुर पहुंचने पर मध्य भारत मोर्चा के द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा। मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव और महासचिव आशीष मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की भरमार है। प्रदेश के मामा ने भांजे भांजियों को गधा बनाकर रख दिया है। यही नहीं, उन्होंने छलने का काम किया है। ना तो मध्य प्रदेश में कोई भर्ती निकली है और ना ही कोई परीक्षा हुई है। NHM जैसी परीक्षा को भी निरस्त कर दिया है, जिसके चलते लाखों युवाओं की मेहनत और पैसों की बर्बादी हो गई है। मध्य भारत मोर्चा के द्वारा खनिज जिला अधिकारी की कार्यशैली को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद मशीनों से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, बावजूद इसके कोई भी कार्यवाही जिला खनिज अधिकारी के द्वारा नहीं की जा रही है। ऐसा लगता है कि जिला खनिज अधिकारी आपस में गधे की तरह बैठे हैं, जिसके चलते मध्य भारत मोर्चा मुख्यमंत्री को प्रतीकात्मक गधा भेंट करेंगे। मध्य भारत मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि अगर इन गधे जैसे अधिकारियों को हटाकर गधों को ही कुर्सी पर बैठा दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी। फिलहाल मध्य भारत मोर्चा के द्वारा मुख्यमंत्री को गधा भेंट करने की घोषणा से जबलपुर प्रशासन सतर्क हो गया है। आदर्श न्यूज के लिए जबलपुर से बाजिद खान की रिपोर्ट। जिस प्रकार प्रदेश के भांजे भांजियों को छलने का काम मामा कर रहे हैं, उन्हें गधा बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार है। पढ़ा लिखा युवा आज पलायन करने मजबूर है, प्रदेश में रोजगार नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो खनिज विभाग में अधिकारी बैठे हैं, वो भी बिल्कुल बेलगाम है, कोई काम नहीं करते। जिसकी शिकायत हम कई बार कर चुके हैं कि अवैध खनन करने वालों पर आप अंकुश लगाएं, तो वो भी बिल्कुल निरंकुश बैठे हुए हैं। इन दो सूत्री मांगों को लेकर हम प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मामा को हम गधा भेंट करने जा रहे हैं। मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष सौरभ यादव। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।